हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की मीठी चटनी। मैंने लिया है 1 किलो टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 कप गुड़, 1/2 कप चीनी, 2 तेज पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्च, 5 फोरन। 5 फोरन में साबुत धनिया, सौंफ, कलौंजी, मेथी, सरसों, इन सबको मिलाकर मैंने 1 टीस्पून 5 फोरन लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश। गैस में मैंने कढ़ाई रख दिया है। 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/4 तेल गर्म हो गया है। अब डालते हैं 5 फोरन। तेज पत्ता 5 फोरन चटकने लगी है। सूखी लाल मिर्च, इसे हमने टुकड़ों में कर लिया है। अब डालते हैं टमाटर। अच्छी तरह मिलाने के बाद 1/2 टीस्पून नमक, गैस को मीडियम फ्लेम में कर 3 से 4 मिनट ढककर छोड़ देंगे। चेक करते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गई है। मैंने नमक पहले इसलिए डाला कि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। करछी से इसे स्लो स्लो करके हम दबा देंगे और मिला देंगे। अब डालते हैं गुड़, चीनी, केवल गुड़ से भी बना सकते हैं, केवल चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ और चीनी मिलाकर बनाने से इसकी स्वाद अलग आती है। गैस को मीडियम फ्लेम में कर 3 से 4 मिनट ढककर छोड़ दे रहे हैं, जिसे अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए, चीनी और गुड़। चेक करते हैं, गुड़ चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अब गैस को तेज करके अब इसे हम थोड़ी सुखाएंगे। ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसी तरह का चटनी बनाकर खा सकते हैं। मीठी चटनी जब भी आप बनाएं, आप 5 फोरन का छौंक जरूर लगाएं, इससे इसकी फ्लेवर अच्छी आती है। मीठा चटनी बनाने में हमने गुड़ चीनी का इस्तेमाल किया है और 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालने से उसकी मिठास की फ्लेवर अलग आती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। टमाटर, गुड़, चीनी अच्छी तरह मिल गई है। टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। ये चटनी थोड़ी गाढ़ी है, अच्छी लगती है। अच्छी तरह गाढ़ी भी हो गई है। टमाटर की मीठी चटनी बनके तैयार है। टमाटर की मीठी चटनी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म पूड़ी, परांठे, रोटी के साथ खाएं। बहुत ही
टेस्टी लगेगी खाने में। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।